दाल चावल तो हम सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन अगर होटल की तरह तड़का दाल और चावल घर पर ही मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। तो अगर आपको होटल स्टाइल तुअर दाल फ्राई और चावल फटाफट बनाना है तो ये वीडियो जरूर देखिए। दाल बनाने के लिए हमने आधा कप तुअर दाल ली है। इसको आधे घंटे पहले पानी में भिगा दिया था और अब हम इसको अच्छे से धोकर और कुकर में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसमें करीब 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक डालेंगे। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और कुकर को लो मीडियम गैस पर 1 सीटी आने तक पकाएंगे। अब दूसरी तरफ हम चावल बनाएंगे। चावल बनाने के लिए 1 कप चावल को अच्छे से धोकर कुकर में ट्रांसफर कर लेंगे। इसमें हम 1.5 ग्लास पानी ऐड करेंगे और 1 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने से चावल खिला खिला बनता है। अब कुकर के लिड बंद करके उसको लो मीडियम फ्लेम पर हम 1 सीटी आने तक पकाएंगे। दाल में सीटी आ गई है। अब हम दाल के लिए तड़का बना लेते हैं। तड़का बनाने के लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। अब इसमें 2 चुटकी हींग और 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा भुन गया है। अब हम इसमें 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ डालेंगे और प्याज को बहुत अच्छे से भून लेंगे। प्याज देखिए भुन गया है। अब इसी समय हम इसमें 2 खड़ी मिर्च, जो लाल मिर्च होती है, वो डाल देंगे और इसे भी पका लेंगे। इसमें हम 5 से 6 कलियां लहसुन की डालेंगे। इसमें हम 1 मीडियम साइज का टमाटर बारीक काट कर डाल देंगे और टमाटर को पका देंगे। तो तड़का हमारा बनकर तैयार है। अब इस दाल को इस तड़के में मिला देंगे और हमारी दाल फ्राई बनकर बिल्कुल तैयार है। यहाँ चावल के कुकर में सीटी भी आ गई है। कुकर को ठंडा हो जाने पर इसको खोलकर देख लेंगे। चावल पक गए हैं। देखिए कितने खिले खिले चावल बने हैं। तो अब टाइम है दाल चावल के मजे लेने का। तो दाल चावल को 1 प्लेट में हम लगा लेते हैं और सलाद, अचार, पापड़, जैसे भी आपको खाना अच्छा लगता हो, चलिए इसका मजा लेते हैं।